जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत सिंह सैनी इलाहाबाद कैरियर कोचिंग सेंटर से। और यूजीसी नेट 5 नवंबर 2017 को होने जा रहा है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। तो ये जो मेरा वीडियो है, आप इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। द कैरियर कोचिंग सेंटर इलाहाबाद के नाम से है मेरा जो स्टूडियो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि आपको क्वेश्चन मैं अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर नॉलेज दूँ आपको। तो ये है अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर टू। तो इसका आंसर आपके दिखाई दे रहा है, सेंसेशनलिज्म एंड द एग्रेशंस टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड व्यूवर्स। तो ये इसका आंसर है, इन द क्लासरूम द टीचर सेंड द मैसेज आइदर एज ए वर्ड या इमेज द स्टूडेंट्स। तो इन द क्लास रूम द टीचर सेंड द मैसेज आइदर एज वर्ड या इमेज द स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर आ रियली, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ध्यान से देखिए, शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है, विद्यार्थी वास्तव में ये क्या करता है? बी आएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बी, डिकोडर्स, डिकोडर इज राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीडिया इज नाउ फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड। ये है, मीडिया इज नाउ फर्स्ट एब्लिश्ड, ये होगा मीडिया इज नाउ एज फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, या थर्ड स्टेट, या फोर्थ स्टेट। तो कौन सा होगा? यानी कि शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है, विद्यार्थी वास्तव में क्या करता है? इसका आंसर होगा आंसर बी, आंसर इज राइट, बी इज राइट आंसर एंड द बी इज करेक्ट आंसर। ये आंसर होगा इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखिए, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, देखो द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स ए सिंगल सर्च ट्रांसमिटिंग्स इंफॉर्मेशन। देखिए ध्यान से, ट्रांस द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स ए सिंगल सर्च ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स simultaneously is called। तो इसका आपको सीधा से आंसर है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा इसका आंसर। द राइट आंसर इज, राइट आंसर इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज राइट आंसर। ये है अपना इंटरपर्सनल इज राइट आंसर। एक स्मार्ट क्लासरूम, क्वेश्चन नंबर 5, ए स्मार्ट क्लासरूम इज ए टीचिंग स्पेस विच हैज, ए स्मार्ट क्लासरूम इज ए टीचिंग स्पेस विच हैज स्मार्ट पोर्शन विद ए टच। कौन सा हो गया स्मार्ट? ध्यान से देखिए, स्मार्ट पोर्शन विद ए टच पैनल कंट्रोल सिस्टम, ए पीसी, लैपटॉप कनेक्शन एंड डीवीडी, वीसीआर प्लेयर्स, डॉक्यूमेंट कैमराज एंड स्पेशलाइजेशन सॉफ्टवेयर, या प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन। तो यू हैव, इसमें से चुनना आपको कौन कौन सा राइट है, कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है, इसमें आपको देख कर बताना है। तो इसमें होगा आपका आंसर फर्स्ट भी है, मेरे को तो फर्स्ट भी सही लगता है। ये देखिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट भी सही है, ये फर्स्ट भी राइट है एंड द सेकंड भी राइट आंसर है, सेकंड इज करेक्ट आंसर। एंड देखिए ध्यान से देखिए आप, ये देखो, स्मार्ट क्लासरूम इज टीचिंग स्पेस विच हैज द स्मार्ट प्रोटेक्शन विद द टच पैनल कंट्रोल सिस्टम,
PC, laptop connections and DVD, VCR player, documents, camera and the specialization software, a projector and the screen. तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है इसने, यू हैव फोर ऑप्शन में, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट आंसर्स, डी इज करेक्ट आंसर एंड द सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन नंबर सिक्स आएगा. डिजिटल एम्पावरमेंट मीन्स, व्हाट इज द मीन ऑफ डिजिटल एम्पावरमेंट मीन्स, यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेरी, यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल डिजिटल रिसर्च, या कोलैबोरेटेड डिजिटल, इनमें से कौन सा होगा? ये सिक्स में से आपको होगा, ये मेरे को चारों के चारों ही लग रहे हैं. यूनिवर्सल डिजिटल भी होता है, ये चारों के चारों ही ये सही है. तो राइट आंसर इज वन टू, ये डी इज राइट आंसर. ध्यान से देखिए क्वेश्चन. डिजिटल एम्पावरमेंट मीन्स यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी या यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल डिजिटल सर्च या कल्बो, ये है थोड़ा सा ये यहाँ पर ब्लैक कलर का है, तो कोलैबोरेटिव ऑफ द ऑल एंटाइलमेंट फॉर इंडिविजुअल थ्रू क्लाउड. तो फोर ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि चारों के चारों ये बिल्कुल राइट आंसर है. तो नेक्स्ट सीरीज अपने हाथ है सेवन के अंदर, देखो नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 2, 7, 28, 63 and 126. तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा इसमें? नेक्स्ट टर्म देखिए, वन की स्क्वेयर, टू की स्क्वेयर, थ्री की स्क्वेयर, फोर की स्क्वेयर, फाइव की स्क्वेयर और सिक्स की स्क्वेयर के अंदर हम प्लस करते जाएंगे, वन की सॉरी स्क्वेयर क्यूब करते जाएंगे, सॉरी क्यूब आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव क्यूब के अंदर बनेगा, वन वन की क्यूब लगा के और प्लस में वन तो टू आ जाएगा, और टू की क्यूब लगाने के बाद में इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, दो टू और टू की मल्टीप्लाई की फोर, फोर की मल्टीप्लाई की तो एट, एट में से वन कैंसिल कर देंगे, यानी कि फर्स्ट प्लस करना है और सेकंड माइनस करना है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करना है. तो इसका आंसर आएगा आपका ए आंसर, 215 आंसर आएगा इसका. तो पहले प्लस, पहले इसकी क्यूब करनी है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक इसकी क्यूब करनी है, और क्यूब करने के बाद में आप क्या करोगे, उसमें एक बार प्लस करोगे एक बार माइनस, क्योंकि ए वन वन टाइम कैंसिल और वन टाइम ऐड. तो राइट आंसर इज ए इज राइट आंसर. एंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ए बी ई डी आई एच एन एम में कौन सा होगा? देखिए टर्म्स कौन सी होगी, ए एम के अंदर इसमें होगा थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार सॉरी एक बार प्लस, ये दोनों प्लस ही होंगे, ए बी सी डी, सी डी ए डिजिटल नहीं है ना, सी डी ई एफ, ये इस तरह से होगा. तो इसका आंसर है आपका ए, इसका आंसर भी ए ही होगा, ये भी आपको करना है. उसके बाद में ये जो दे रखी है सीरीज दे रखी है इसमें, इसमें आप क्या करोगे, इसमें भी यही करना है सेम, इसके अंदर क्या करोगे, इसमें टू 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 आएगा और फिर जीरो फिर बने, यानी चार बारी प्लस होगा, दो प्लस करना है और एक एक बारी माइनस करना है. तो ये आपका ये मेथड लगा हुआ इसमें. तो देखो एस के बाद में यू आता है, तो के एस के बाद में यू आएगा, देखो एस के बाद में यू, इस इसको देखो ये ध्यान से देखिए, ये है अपना और ये है अपना, इन दोनों में क्या है, एस यू टी वी आर ई, इस देखो यू तक है अपना जो है, ए ए के बीच में देखो ए ए आया ना, ए इसमें भी है और इसमें भी है ए, और इसके ए के लेफ्ट साइड के अंदर तो प्लस टू करना है और राइट साइड में माइनस वन करना है. तो ये आपका आंसर ये आएगा. और इसके बाद में अंदर इसी तरीके से ये जो हमें दे रखा है ये
एक बार ये प्लस करना, मिडिल पॉइंट निकाल लीजिए इसका, मिडिल जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट इसका कौन सा होगा आपको पता होना चाहिए। एल एल दे रखा है इसने, ये एल दे रखा है इसने, तो मिडिल पॉइंट इसमें भी एल दे रखा है। तो बी में देखिए, बी यही है बी, और इसमें एल दे रखा है, और सेम ही कंडीशन इसी में है, ये जो है सेम इसी में आएगी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आता है, ए इज, ये क्वेश्चन अपना, ये रहा क्वेश्चन अपना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये देखो, उसके बाद में ये थोड़ा सा रह गया है, इसको भी ऐड कर देते हैं। नहीं होगा ये, ये हो गया ठीक। अब इसमें क्या है देखिए ध्यान से, ये होगा ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, और सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, और ई इज द फादर ऑफ ए, और डी इज, तो आप बताइए रिलेटेड टू ई, ई एज, ई के साथ कौन सा रिलेटेड होगा, ये ध्यान रखना, ई ई के ऊपर जो ई है वो ए और बी, ए और बी, सी डी, यानी कि डी ई के पुत्र की वधु अर्थात पुत्र वधु होगी, तो पुत्र वधु को क्या बोलते हैं आपको पता ही होना चाहिए, बी होगा उसका आंसर डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ इज द राइट आंसर, ये आंसर इज करेक्ट आंसर ये है। तो दोस्तों आज का जो हमारा जो वीडियो कैसा लगा आप ये ज़रूर बताना, और कमेंट में लिखना, अच्छा लगे तो अच्छा बोलना है, बुरा लगे तो बुरा बोलना है, तो हमेशा ऐसे, अभी मेरी तो यही कोशिश रहेगी, आई ट्राई टू अगेन एंड अगेन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स एंड द जब बढ़िया से बढ़िया जो हार्ड वर्क करूँ आपके लिए और मेहनत करूँ, यही है, और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराऊँ। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं रंजीत सिंह सैनी अलाहाबाद कैरियर कोचिंग सेंटर से, आई बिलोंग टू द कैरियर कोचिंग सेंटर इन हरियाणा अलाहाबाद, तो हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ, और इसी के साथ मैं जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो हम जो ताकि मैं अपलोड करूँ वीडियो वो आपके साथ है, आपके पास है, जल्दी पहुँच जाए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।